हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइडल। माय सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हमने ये चैप्टर शुरू किया हुआ है अपना, फर्स्ट ऑर्डर क्वासी लीनियर पीडीई का, इसके अंदर आज हम क्वेश्चन नंबर 14 का डी पार्ट करेंगे। बच्चे बोल रहे थे क्लास में कि उनसे हुआ नहीं है। लेट अस सी व्हाट इज देयर इन दिस क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, तो आपने देखा कि आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है, इट मीन्स इट इज़ अ कॉशी प्रॉब्लम। अगर ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस लिख लेते हैं। सबको पता है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज डी एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ यू एक्स, डी वाई अपॉन कोफिशियंट ऑफ यू वाई एंड डी यू अपॉन राइट साइड जो आपकी आ रही। सब बच्चों ने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख ली, आपको बड़े आराम से दिख रहा है फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। तो हमने 1 और 2 को कंसिडर कर लिया, दोनों साइड पर इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, इंटीग्रेट करके जो हमें सॉल्यूशन मिला वो ये हो गया, जो हमारा फर्स्ट इंटीग्रल बन गया। यहाँ पर a आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब मैंने ले लिया 1 और 3। जब मैंने 1 और 3 लिया तो 1 और 3 तो dx और इधर du है, तो मेरे को सिर्फ x और u में आंसर चाहिए था। मतलब अगर x और u में इंटीग्रेंट बन जाता तो ठीक था, यहाँ पे तो y आ गया, तो इस y को ख़त्म करना पड़ेगा। इस y को ख़त्म करने के लिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 का ही इस्तेमाल किया, यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो ये y की वैल्यू मैंने यहाँ पर फ्रॉम 1 ली है। ठीक है, ये ले ली। अब सारा वेरिएबल सेपरेबल करने के लिए x को एक साइड ले गए और u को हमने एक साइड पे रख लिया। ये मेरा सारा इंटीग्रेंड आ गया x का और यहाँ पे u का आ गया। अब इसको आपने एज यूजुअल इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, सब बच्चे बड़े आराम से इंटीग्रेशन देख सकते हैं इसकी। इसकी इंटीग्रेशन देख लो, ये इंटीग्रल log x बाई x जो बन गया है आपका, इसको log x को t मान लो, 1 बाई x dx dt आ जाएगा आपका। ठीक है, तो उससे आपका सॉल्व हो जाएगा बाई यूजिंग सब्सटीट्यूशन। जब हम ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि हमने a का इस्तेमाल किया था ऊपर फर्स्ट इंटीग्रल से, तो a की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए दोबारा से फ्रॉम 1। ठीक है, तो a की वैल्यू मेरी ये थी, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया तो मेरा सॉल्व करके ये आ गया। अब आप इसको पूरा जितना फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं आपने कर लिया, तो आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। सब बच्चे देख सकते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए दिखा भी रही हूँ आपको स्क्रीन पर कि हमने इसको कैसे किया। राइट, तो यहाँ पर आ गया आपके पास बेटा ये। अब आपको दोनों इंटीग्रल्स मिल गए हैं। जब हमें दोनों इंटीग्रल्स मिल गए तो इसके अंदर हम अब कॉशी डेटा डाल देंगे अपना। तो जो हमारी इनिशियल कंडीशन थी वो थी u इक्वल टू 2y एंड x इक्वल टू 1। तो मैंने पहले फर्स्ट इक्वेशन में डाला, फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिख दी है यहाँ पे, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। इसमें आप u को डाल दीजिए 2y और x को 1। तो u तो है नहीं इसमें, तो हमने y को एज इट इज़ रहने दिया, x को 1 डाला, तो ये log 1 0 हो गया और आपका यहाँ पे x की वैल्यू 1 डल के a प्लस 1/2 आ गया। तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ गई y इक्वल टू a प्लस 1/2। करेक्ट, अब आ जाइए सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जो थी हमारी, उसमें हमने डाला वाई को, यू को 2y और एक्स को 1 डाला, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन निकल कर आ गई। अब 3 और 4 दोनों मेरी इक्वेशंस निकल कर आ गई, जिनका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे दोनों कॉन्स्टेंट्स के अंदर a और b में। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है a की वैल्यू है y माइनस 1/2, तो आपकी वैल्यू नहीं, सॉरी, वाई की वैल्यू है ए प्लस 1/2, तो मैंने वो वाई की वैल्यू ए प्लस 1/2 यहाँ पर डाल दी। राइट, ए की वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी है। तो अब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये रिलेशन निकल कर आया कि 2a + b इज इक्वल टू -3/4। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a + b + 3/4 इक्वल टू 0। अब आपको रिलेशन मिल गया, रिलेशन मिल गया, तो ए और बी की वैल्यू जो स्टार्टिंग में हमारे पास ए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आई थी वहाँ से हम डाल देंगे। तो हमने इसमें a और b की वैल्यू डाल दी। ठीक है, ये देख लो, मैंने a और b की वैल्यू डाल दी है। बेटा कैलकुलेशन थोड़ी चेक कर लेना, क्योंकि थोड़ा लग रहा है डिफ़िकल्ट सी है, अगर कोई मिस्टेक हो तो ठीक कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से हमने a और b की वैल्यू डाल दी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से, तो ये मेरा सॉल्यूशन निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, सो दिस इज़ माई क्वेश्चन नंबर 14 का डी पार्ट। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में और आगे इस चैप्टर को चलाएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।